बनाने वाले हैं क्रिसमस स्पेशल प्लम केक। तो प्लम केक बनाने के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए है। ये अखरोट है और ये काजू बादाम है। इन सबको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। और टूटी फ्रूटी, ये मिक्स्ड कलर में है टूटी फ्रूटी। काली वाली किशमिश और येलो वाली किशमिश ले लिए मैंने। ये बड़े थे तो मैंने इनको दो हिस्सों में कट कर लिया है। और ये मैंने ऊपर से डेकोरेट करने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाल कर रखे हैं। और ये ऑरेंज जूस ले लिया है एक कप। मैंने रेडीमेड जूस लिया है, कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं, ग्रेप जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये प्लम केक होता है इसको बियर में पहले सोक करके रखा जाता है फिर बनाया जाता है, बट हम बियर वगैरह यूज़ नहीं करते इसलिए हम ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले एक बोल ले लेंगे और इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स एक एक करके डाल देंगे। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूंगी वो आपको मिल पाएगी। तो सारे ड्राई फ्रूट्स ये देखिए मैंने डाल दिए हैं। ये सब मिला के 250 ग्राम लिया है मैंने, यानी पाव किलो। अब इसमें हम ऑरेंज जूस को डाल देंगे। हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसे हमें सोक करके रखना है। इसे 4 दिन के लिए सोक करके रखा जाता है या फिर 8 घंटों के लिए सोक किया जाता है, बट हम अगर इसको बना रहे हैं तो हमें इसको 1 घंटा तो सोक करने रखना ही है, उससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। तो इसको 1 घंटे के लिए साइड में रख देते हैं कवर करके। अब हम कैरेमल सिरप बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें 1/2 कप शुगर ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर ही हमें इसको पकाना है, फ्लेम को हाई नहीं करना है। अगर हम फ्लेम को हाई करेंगे तो हमारा कैरेमल जल जाएगा, इसलिए हम लो फ्लेम पर ही इसको पकाएंगे। ये खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए शुगर अपने आप मेल्ट हो रही है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, और अच्छे से मिक्स करते जाना है वरना ये जल जाएगा कैरेमल, और सारी शक्कर को हमें मेल्ट होने देना है। देखिए शुगर मेल्ट हो चुकी है। अब 1/2 कप इसमें पानी ऐड करेंगे और जल्दी जल्दी से इसको मिक्स करते जाएंगे। ये स्टेप करते वक्त आपको बहुत ही सावधान रहना है, वरना मुंह पर आपके कैरेमल उड़ सकता है। फेस और हैंड को दूर रखना है। तो ये देखिए 2 मिनट पकाया, कैरेमल सिरप रेडी हो चुका है। इसको हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाए तब हम इसको यूज़ करेंगे, गरम गरम यूज़ नहीं करना है। अब हम केक का बैटर बना लेंगे, जिसके लिए एक बॉल ले लें, उस पर छन्नी को रख दें और सारे इंग्रेडिएंट्स को हम पहले सीव कर लेंगे, यानी छान लेंगे। 1 कप मैंने मैदा लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून से कम बेकिंग सोडा लिया है। हाफ कप मैंने पाउडर शुगर ली है, 1/2 कप शुगर का मैंने कैरेमल बनाया है और 1/2 कप मैंने पाउडर शुगर ली है, यानी 1 कप मैंने आटा लिया है तो 1 कप ही मैंने शुगर यूज़ किया है इसमें। 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे और इन सबको हमें सीव कर लेना है, अच्छी तरह से छान लेना है। छानने से क्या होगा, जो हमारा आटा है ना वो लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, और जो इसमें गुठलियाँ वगैरह होती है वो भी निकल जाती है, मतलब हम उसको प्लेन कर सकते हैं। तो देखिए सारा छान लिया है मैंने, अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर ऐड करें या फिर आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून मैंने विनेगर ऐड किया है और 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड किया। अच्छा मैं एक बात आपको बता दूं इधर पर कि इसमें जो है वनीला एसेंस नहीं जाता है। और ये कैरेमल वाटर ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो इसमें वनीला एसेंस ऐड नहीं किया जाता है, इसमें सौंठ का पाउडर, दालचीनी का पाउडर और जायफल का पाउडर जाता है। अगर आपको वो फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट बच्चों को अक्सर वो फ्लेवर पसंद नहीं आता है, जिस वजह से मैंने वनीला एसेंस ऐड किया है इसमें। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो देखिए ड्राई फ्रूट्स को भीगते हुए एक घंटा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा थोड़ा करके ऑरेंज जूस भी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। एक साथ ही सारा ऑरेंज जूस इसमें ऐड नहीं करना है, वरना हो सकता है बैटर आपका पतला हो जाए। ये जो बैटर होता है प्लम केक का, बहुत ही मतलब गाढ़ा होता है, थिक होता है। तो अब इसको मिक्स करते जाएंगे और जूस ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो पूरा एक कप जूस जो है मुझे इसमें लग गया था। देखिए इस तरीके का थिक बैटर होना चाहिए, हर बाइट में ड्राई फ्रूट्स आना चाहिए। इसमें ड्राई फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा डाले जाते हैं और आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये केक टिन ले लिया है, इसको मैंने बटर से ग्रीस कर लिया, फिर इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया। अब इसको भी हम ग्रीस कर लेते हैं बटर से, या फिर आप ऑयल से भी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ओवन में ही बनाएं, आप इसको बगैर ओवन के भी बना सकते हैं। अब केक के बैटर को हम डाल देंगे। अब इसको टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स हो वो निकल जाए और केक हमारा सभी साइड से अच्छे से बेक हो। अब कुछ ड्राई फ्रूट से हम गार्निशिंग कर लेंगे, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो मैंने काजू बादाम, ब्लैक किशमिश, येलो किशमिश और टूटी फ्रूटी और थोड़े से चेरी से भी मैंने इसको गार्निशिंग किया है। अब प्री हीट कर लेंगे ओवन को हम 20 मिनट्स के लिए। अच्छे से हम उसको प्री हीट कर लेंगे 150 टू 180 टेम्परेचर पर और इसको 45 मिनट्स तक हम बेक कर लेंगे। तो देखिए केक हमारा बेक हो चुका है, ये हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो हम इसको जब ये हल्का ठंडा हो जाए तब इसको आप निकाल लें, क्योंकि अगर आप इसी में रखकर केक के बर्तन में ही रखकर इसको ठंडा करोगे तो इसमें पानी छूटने लगता है नीचे से, तो फिर केक खाने मज़ा नहीं आता है। इस वजह से हम एक प्लेट ले लेंगे और उस पर इस तरीके का कोई भी रैक या कोई भी जाली रख ले, उसके ऊपर केक को रखकर ठंडा करें। इससे ये होगा कि चारों तरफ से केक एक जैसा ठंडा होगा। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा क्रिसमस स्पेशल प्लम केक बनकर रेडी हो चुका है। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको कट करें, खाएं, इंजॉय करें। और आप सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो देख सकते हैं आप के बहुत ही अच्छे तरीके से केक हमारा बेक हो चुका है और बहुत ही सॉफ्ट बना है। अल्लाह हाफिज़।